प्रार्थना की गई है, कोई कानून का भी हाथ नहीं आएगा। कृपया कर सुन लीजिए। हाँ, ऐसी बात हाथ कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम, क्या फुकाओ, तो कहां तुम्हारी, यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं है, बस बस उनके साथ और हमारा उद्देश्य ये था कि उनको क्लेरिटी रहे कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेगा। आपको अपना आंदोलन शांतिपूर्ण से कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम जन को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे ट्रकर्स या व्हीकल्स जो भी सामान ला रहे हैं, जो पैसे आ जा रहे हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं। उसी चीज़ को लेकर एक व्यक्ति बार बार ये बोलने लगा कि सर मैं 3 तारीख के बाद यदि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं किसी भी लीडर पर जा सकता हूँ और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता हूँ। तो उस बात को लेकर मुझे गुस्सा आया था और मैं एक चीज़ फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था को लेकर ये हमारी जिम्मेदारी बनाए रखे, आम जन की सुरक्षा को व्यवस्थित रखना हमारी जानकारी हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी हालत में हम लोग ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न देंगे।